इन लोगों को दिया आयुष्मान ने अंधाधुन की कामयाबी का श्रेय। जमकर नाचे शर्मीले स्वभाव के राघवन। निर्माता संजय धोत्रे और निर्देशक श्री राम राघवन की फिल्म अंधाधुन को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने का जश्न। फिल्म के सितारों ने यहां मुंबई के एक पंच सितारा होटल में गुरुवार की भोर तक बनाया। फिल्म की यूनिट ने शर्मीले स्वभाव के श्री राम को भी नचाया और फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना को भी छुट्टियों पर जाने से पहले के एक यादगार लम्हे से रूबरू कराया। हाल ही में घोषित हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म अंधाधुन में एक दृष्टिहीन पियानो वादक के किरदार के लिए आयुष्मान खुराना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसके अलावा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अनुदित पटकथा के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। फिल्म भारत के अलावा चीन में भी सुपरहिट रही। चीन में तो फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। फिल्म को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों का जश्न। इसे बनाने वाली कंपनी मैच बॉक्स पिक्चर्स ने मुंबई के एक पंच सितारा होटल में आयोजित किया। फिल्म के निर्माण के दौरान निर्देशक श्री राम राघवन को नाकों चबाने वाले कॉरपोरेट हाउस वायकॉम 18 के तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में फिल्म को मिले पुरस्कारों का श्रेय लेने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन यहां मौजूद किसी ने भी उनकी बातों को कोई तवज्जो तक नहीं दी। लेकिन ये शाम रही आयुष्मान खुराना के नाम। हमेशा की तरह अपनी अतरंगी अदाओं के साथ यहां पहुंचे आयुष्मान ने फिल्म की क्रू के साथ देर तक मस्ती की और अपने चाहने वालों के साथ खूब फोटो भी खिंचवाए। आयुष्मान ने इस फिल्म की कामयाबी और इसे मिले पुरस्कारों का श्रेय फिल्म के निर्देशक श्री राम राघवन और निर्माता संजय धोत्रे को देते हुए कहा कि इस फिल्म के विषय को लेकर दोनों का अटूट भरोसा ही इसकी कामयाबी का नतीजा है। निर्देशक श्री राम राघवन ने अंधाधुन को कामयाब बनाने वाले दर्शकों का शुक्रिया किया और कहा कि उनकी फिल्मों का हीरो हमेशा से कहानी ही रहा है और आगे भी वे सितारों के पीछे भागने की बजाय अच्छी कहानियों की खोज करते रहेंगे। निर्माता संजय धोत्रे ने अमर उजाला को बताया कि उनका प्रोडक्शन हाउस अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुका है। मैच बॉक्स को उन्होंने विचारों की माचिस की डिब्बी बताया और कहा कि वे लोगों के विचारों को सुलगाने वाली कहानियों की तीलियां आगे भी समेटते रहेंगे।